ये स्टॉक में देखें तो काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले 1 से 2 साल से एक लोअर रेंज पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अगर पिछले 4-5 महीने का सेटअप देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक रैली देखने के बाद हायर साइड से करेक्शन जरूर देखा, लेकिन ये ब्रॉडर अगर हम इसका पिक्चर देखें तो पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से लोअर साइड से एक रिकवरी करके स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है स्टॉक में, हमें लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, 380 से लेके 365 ये रेंज में एक्यूमुलेट करें, क्योंकि मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है, सेलिंग प्रेशर जरूर है, तो आपको डिप में जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोअर साइड पे भी ऐड करने के लिए। तो 380 से 365 रेंज में बाय करने की सलाह रहेगी, 345 स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक पे जिस ही मार्केट स्टेबल होंगे मार्केट में वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा, तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसको 450 से लेके 460 की तरफ लेके जा सकता है। तो गोवा कार्बन बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। ओके, तो 450 से 460 के लेवल्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है गोवा कार्बन में खरीदारी।